हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए, आज जो पेपर है, आज जो क्वेश्चन है, ये आप ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारे टेट और सीटेट के लिए हैं। ये जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं आपके सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके सेमेस्टर के लिए भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, तो इनके कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है, 2/3 में कितने 1/6 है। पहले तो ये क्वेश्चन आप समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं 5 में कितने 1 है, तो आप बताएंगे 1+1+1+1+1, ठीक है। कितनी बार है? 5 बार। 5 बार 1 को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। ऐसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 6 में कितने 2 है, तो हमें कितने मिलेंगे? 3, ठीक है। यानी कि 2 बार हम 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए 2/3 में कितने 1/6 है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पे अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या है। 2/3 में 1/6 कितने हैं? तो देखिए 2/3, ठीक है। जब हमें 6 में 2 पता करना था कि कितने 2 है, तो हम उसके लिए क्या किए थे? 2 की डिवाइड किए थे। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया? 1/6 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। 2/3 हमने लिख लिया, और ये जो बड़ा वाला बटे का साइन है, इसके नीचे 1/6 लिखा हुआ है, ये ऊपर जाता है और जो साइन है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये क्या होता है? 6/1, ये रिवर्स हो जाएगा। 3 से हम इसे काटेंगे, 3 × 6, तो हमारे पास क्या क्या मिला? 2×2, यानी कि कितने हैं? ये है 4, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए 2×2 हुआ 4, तो कितने 2/3 में कितने 6 हैं? 4, क्या है? 4, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रूट से है, लेकिन आप देखिए घबराएंगे नहीं, इसे कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। रूट 500, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी संख्या हो, a लिखा हो, और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हो x, ठीक है, फिर यहाँ पे इनटू की साइन लगी हो, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं p लिखता हूँ, ठीक। फिर यहाँ पे लिखा हुआ a इनटू q, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a p q, ठीक है। ये चीज सेम यहाँ पे लिखी हुई है। अब आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। 500 यहाँ पे लिखा हुआ 3, इनटू यहाँ पे भी लिखा हुआ 3, और यहाँ पे लिखा हुआ 16, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल हम लिख सकते हैं 500 × 16, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अब देखिए 16×5 कितना होता है? 80। 16×5 80 होता है ना, 16×5 80 होता है, और 2 0 इधर का लगा लिया हमने, 1 2, ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए 8000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8×1 2 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2×2×2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2×2 = 4×8, ठीक है। ऐसे ही हम 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10×10×10, ठीक है। तो 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए जब यहाँ पे अंडर रूट में 2×2 होता है, तो इसका आंसर आता है 2, ठीक। अगर मान लीजिए 3×, अगर 2 बार अगर हमको क्यूब निकालना है, तो 2×2×2, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्यूब है, तो यहाँ पे हम 3 बार इसकी मल्टीप्लाई कर लिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बाहर आ जाएगा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा? 2×10, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सेट नंबर 15 है और 14 सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए उसको देख सकते हैं। एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर जरूर कर दीजिएगा।